हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल रू फैशन प्लस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं शलवार की कटिंग। तो दोस्तों, बेल्ट वाली यहाँ शलवार की हम कटिंग करने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है 2 मीटर, और 2 मीटर कपड़े में हम यहाँ शलवार को कटिंग करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और आइकन के निशान पर क्लिक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर कपड़े को कुछ इस तरह बिछा लिया है और इसको कर रखा है डबल यहाँ पर, और हमारा जो कपड़ा है वो सीधा है अंदर की साइड में और ये है उल्टा। तो दोस्तों, कुछ हम इस तरीके से यहाँ पर बिछाएंगे इस प्रकार। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बताते हैं आपको शलवार का मेजरमेंट्स के इसका नाप तोल कितना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो इसकी लंबाई है वो है 35 1/2 इंच, और यहाँ पर जो इसका बेल्ट है वो है 21, और जो इसकी मोरी है यानी पोंचा वो है 12 यानी 12 इंच। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है, और सीधा करने के बाद में यहाँ पर हमें उल्टे उल्टे के लगा देना है निशान, जिससे हमें पता लगे यहाँ हमारा कपड़ा ये उल्टा है, और हमें इसको कर लेना है सीधा अपने इस कपड़े को, जो भी यहाँ पर ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा है वो बिल्कुल सीधा कर लेंगे आप। सीधा करने के बाद में हमें यहाँ पर बेल्ट का, जैसे 6 इंच का हमें निकालना है बेल्ट, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 1/2 इंच पे निशान, जितना हम सिलाई में मार्जिन लेंगे। उसके बाद में 6 इंच चौड़ा हमें रखना है बेल्ट यानी 6 इंच। उसके बाद में यहाँ पर हमें इतना 6 इंच पे यहाँ पर निशान लगा देना है, मतलब इंची टेप को रख देना है, इतना निकाल देना है 6 इंच यहाँ निशान से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमें 35 1/2 इंच का निशान लगाना है, यानी कि 35.5 इंच इसकी लंबाई है। उसके बाद में हमें यहाँ पर जो मोरी रखना है वो रखना है 2 इंच चौड़ी है, यानी 2 इंच चौड़ी मोरी अभी हमें यहाँ पर रखना है, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे इस प्रकार, और हमें यहाँ पर लगा देना है निशान अपनी लंबाई का। अगर आप इसी में इसकी मोरी को पैंचे में जो फोल्ड करना चाहते हैं कपड़ा, इसी में कटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दें। अगर आप इसमें अलग से मार्जिन कटिंग करना चाहते हैं तो इसमें 1/2 इंच का छोड़ के यहाँ से कटिंग कर लें, तो अलग से इसमें मोरी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें 12 मोरी रखना है यानी 12 इंच, ठीक है, और यहाँ पर हम 6 इंच यहाँ पर निशान लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें जो मोरी का मार्जिन छोड़ना है वो छोड़ना है 1.5 इंच, 1.5 इंच। तो दोस्तों, हमें इस तरीके से यहाँ पर पहले अपना पूरे कपड़े को इसको उतार देना है, तो इसको हमें उसके लिए क्या करना होगा, इसको हम डबल कर लेंगे इस तरीके से, और डबल करने के बाद में यहाँ पर अपनी भंटी से लगा देंगे निशान, और इस कपड़े को कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा वाले को, यानी कि इसमें हमारा जो है बेल्ट वो बेल्ट निकलेगा। ये हमारा कपड़ा है वो है बेल्ट का, इसको हम अलग हटा देते हैं। उसके बाद में हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, जो हमने ये निशान लगाया था 1.5 इंच का, इसको यहां से हम इस तरीके से यहां फोल्ड करेंगे, और 1.5 इंच यहां पर हम ले लेंगे, ठीक है, 1.5 इंच यहां पर और 1.5 इंच यहां पर, और इसको हम यहां से कटिंग कर लेंगे। अब हमारी यहां पर जो कली है ये कली कटिंग हो चुकी है, तो हमें यहां पर निशान लगा देना है उल्टे का इस तरीके से, जो हमारे निशान अंदर जाने वाले हैं। अब इसको इस तरीके से उठाना है यहां पर 1/2 इंच चढ़ा के अपने पार्ट के ऊपर इस तरीके से, और इसको हम यहां पर लेके यहां पर 8 इंच का हमें यहां पर मार्जिन लेना है, यानी लंबाई जहां पर हमारी मियानी लगने वाली है, जिसे बोलते हैं रुमाली, ठीक है, यहां पर 8 इंच पे। अब इसको हम यहां पर कटिंग कर देंगे।
यहाँ पर लगा देंगे कट, और कट लगाने के बाद में हमारा यहाँ पर जो आसन है वो रहेगा 14 इंच, तो यहाँ पर हम आधा इंच इस तरीके से यहाँ पर रख देते हैं और 6 इंच यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर ये हमारा निशान हो गया 14 इंच। ठीक है, आसन जो है हमारा 14 इंच रहेगा। सिलसिला के करीब हमारा ये 13 साढ़े 13 कंप्लीट रहने वाला है। और ये हमारी जो ये कंछी है जो यहाँ से निकली है, आप इसमें म्यानी लगाना चाहें तो इसमें यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइंट करके यहाँ पर म्यानी इसकी बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारा रह गया बेल्ट, तो हम करते हैं बेल्ट को कटिंग। तो हमारा ये बेल्ट का कपड़ा है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर बिछा लेंगे इस प्रकार। इसकी जो लंबाई है वो है 21, और जो हम अपने बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 8.5 इंच, यानी कि हमारा 6 इंच रहेगा बेल्ट और आधा इंच यहाँ पर चला जाएगा मार्जिन। ठीक है, तो यहाँ पर हम आधा इंच मार्जिन निकलने के बाद में यहाँ पर हम 6 इंच की जो हमारी चौड़ाई है बेल्ट की रहेगी। उसके बाद में हम यहाँ पर 2 इंच का लेंगे बेल्ट का, तो यहाँ पर हमें सब यानी कि ले लेना है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर यहाँ निशान लगा देंगे और 8.5 इंच यहाँ पर निशान लगा देंगे, और इस तरीके से अपने निशान उठा लेंगे इस प्रकार। और 2 इंच का हमें यहाँ नेफे का ले लेना है जिसमें हमारा नाड़ा वगैरह पड़ता है। अब इसको कर देते हैं हम कटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बेल्ट और यह पूरी सलवार कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सलवार की हो चुकी है कटिंग। तो दोस्तों अगर आपको इसको सीखने में जरा सी परेशानी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो नए डिज़ाइन के संग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।